Perfect. बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। तो आज एक सोचा छोटी सी वीडियो बना दें जिसमें थोड़े से पॉइंट्स बताएंगे आपको। अभी तीन डॉग हैं जो कस्टमर के पास चले हैं हमारे, तो दो जोधपुर के लिए हैं और दूसरे एक जा रहे हैं पटना में जा रहे हैं डॉग। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी डॉग्स हैं वो आपको दिखाएंगे, उनकी क्वालिटी चेक करवाएंगे। और ये जो सर्दी का मौसम रहता है, इससे पहले भी जो वीडियोस आती रहती हैं ग्रेवल सर लाइव शो में बताते रहते हैं कि वीडियो में वीडियो में बोलिए जो डॉग की केयर करनी कितनी टफ होती है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी रहती है सर्दियों में कि ये जो भी खाते हैं वो इन्हें लगता है और इनकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी रहती है। सर्दियों में आप फीड ज़्यादा दे सकते हैं, गर्मियों में क्या होता है फीड कम देनी होती है तो ज़्यादा फीड नहीं पचा पाते हैं डॉग्स। तो ये हमारे पास एक घर का नया मेंबर बनने जा रहा है, रॉटवाइलर। आप चेक कर सकते हो, ये रॉटवाइलर की क्वालिटी चेक कर सकते हो आप। ये रॉटवाइलर है, हैवी बोन, पंच फेस, टेल, ये सारी चीजें चेक कर सकते हो आप रॉटवाइलर की। बहुत ही अच्छा है रॉटवाइलर ये। हाय, नमस्ते बोलो, नमस्ते भी करते हैं ये। तो ये बहुत अच्छा डॉग है ये, और ये क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। ये अभी क्या रहता है कि अभी जब ट्रेवल करते हैं हम, ये डॉग को जब ट्रेवल करवाते हैं ना, तो वो साथ में बहुत सी ज़्यादा प्रिकॉशंस होती हैं कि साथ में जो रास्ते में क्या होता है, ज़्यादातर सफ़र में हम उनको दही रिकमेंड करते हैं कि दही लेके जाएं। ये लेब्रा है, इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। तो दही से क्या होता है, ज़्यादातर एक डॉग थोड़ा सा एक्टिव रहता है और ये मतलब डाइजेस्ट ईजी हो जाता है ये, और जब कस्टमर के हाथ में पहुँचता है तो वो बोलता है बहुत अच्छा है। तो ज़्यादातर हमारे जो डॉग ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको यही बोला जाता है कि हमेशा चार चार घंटे बाद उन्हें जाके देखना है, और जाके उन्हें जब जो डॉग केज रहता है पीछे तो वहाँ पे जाके उन्हें खोल के थोड़ा सा, अगर स्टेशन में गैप ज़्यादा है, ट्रेन ज़्यादा रुकने वाली है 10-15 मिनट, तो वहाँ पे डॉग ले जाके बाहर निकाल के थोड़ा सा उसे चलवाना है, वॉकिंग करवानी है, तो क्या रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो अगर एक ही जगह पर पड़े रहेंगे उनको बार बार लेके थोड़ा सा इसके हाथ में सहलाना है ऐसे, तो ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव रहती हैं सफ़र में। तो इसके बाद ये तो लेब्रा देख लिया आपने, और एक और लेब्रा है जो ब्लैक है, अभी सो रहा है ये। ये आप लेब्रा चेक कर सकते हो, लेब्रा की क्वालिटी चेक करिए।
ये लेब्रा जा रहा है, ये टेल, नमस्ते कर दो, नमस्ते 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 नमस्ते, हाय कर रहा है, हाय कर रहा है आपको, हाय नमस्ते। मैं डॉग लवर हूँ बहुत ही ज़्यादा, इनको रखना, इनके साथ खेलना सभी को अच्छा लगता है। और बाकी जो इसका डाइट प्लान रहता है, जब वहाँ पे डॉग पहुँचता है तो उसके बाद हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि एक घंटा कुछ नहीं देना है उसे। तो कई डॉग तो होते हैं कि जाके सो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद जब उठते हैं तब भी हम दही रिकमेंड करते हैं। उसके बाद ये डिपेंड करता है सेरेलेक खाएगा, उसके बाद हम फीड जो स्टार्टर रहता है, वैक्सीनेशन, वो सब हम बताते रहते हैं कस्टमर को। ज़्यादातर जो कस्टमर की कंप्लेंट रहती है वो ये बोलते हैं कि हमारा जो डॉग है वो बाइटिंग बहुत करता है। ऑलरेडी गरेवाल सर ने वीडियो बनाई हुई है। तो क्या रहता है कि इनको आप टॉयस दे सकते हो, च्यू बोन्स दे सकते हो, च्यू टॉयस आते हैं वो दे सकते हो। इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है या आपके साथ घुल मिल जाएं, पड़ता है, मेहनत लगती है इन चीज़ों पे, लेकिन डॉग बहुत अच्छा बनता है बाद में। और उसे जब डॉग ट्रेनिंग होती है तो वो बहुत ईजी रहती है, डॉग ट्रेनिंग जो रहती है वो बहुत ईजी रहती है। तो ये जब ये जिन भी कस्टमर के पास ये डॉग पहुंच रहे होंगे तो उनको बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, और प्लीज़ बहुत प्यारे हैं ये। ज़्यादातर क्या होता है कि जो डॉग जाते हैं कस्टमर के पास, हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि एक डॉग की बजाय वो दो जो डॉग है वो घर पे रखें, चाहे वो दूसरा डॉग स्ट्रीट डॉग रख लें लेकिन अच्छा वैक्सीनेशन हुआ हो उसको। तो क्या रहता है कि आजकल की बिजी लाइफ में क्या रहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं या मम्मी पापा घर में हैं तो वो घर से बाहर चले जाते हैं, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, तो पीछे से डॉग अकेला रहता है, तो वो उसको बोरिंग फील होता है। जैसे हमें कोई अकेला छोड़ दे तो हम बोर फील करेंगे, सेम ऐसे ही डॉग है बोर फील करते हैं, कोई खेलने के लिए साथ नहीं है। तो अगर आप एक और डॉग ले लें या कोई पेट ले लें या कैट ले लें या कोई स्ट्रीट डॉग ले लें या ऐसे ही कोई सेम डॉग ले लें और किसी ब्रीड का, तो ये अच्छा रहेगा, उनके साथ ये खेलते रहेंगे, टाइम स्पेंड होता रहेगा और ये खुश रहेंगे और इनकी हेल्थ पे भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड, हैव अ गुड डे। ये जो भी कस्टमर के पास जा रहे हैं उनके लिए एक बार और बेस्ट विशेस, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हेल्दी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाय फ्रेंड्स, आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टीम की तरफ से आपको वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर माय फ्रेंड्स। वो आपका ये साल खुशियों भरा हो, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो। हमारी टीम की तरफ से, बोला शोला की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और माय फ्रेंड, इस न्यू ईयर में हम आपके लिए ऑफर लाए हैं। दिस पूरे जनवरी महीने में पहले 3 लकी कस्टमर दिस जनवरी मंथ में जो हमारी फ्रेंचाइज लेंगे, बुकिंग अमाउंट पर 50% ऑफ होगा। माई फ्रेंड, ये छोटा अमाउंट नहीं है। तो जल्दी से नीचे दिए हुए नंबर पर मैडम अनु मल्होत्रा है या हमारा IBR नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। एंड एक और ऑफर है आपके लिए, जो पहले 20 अपने डॉग हमारे साथ रजिस्टर कराएगा भोला शोला का कार्ड वगैरह एंड माइक्रोचिप लेगा, तो उस पर भी हम 20% लेस कर रहे हैं। तो माई फ्रेंड, बम्पर ऑफर है फर्स्ट फ्रेंचाइजर के लिए जो फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड ऑल्सो जो अपना डॉग रजिस्टर करवाना चाहते हैं उनके लिए भी हम ये गिफ्ट दे रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। तो हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर माय फ्रेंड, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ये लिमिटेड टाइम तक है, ओनली जनवरी मंथ तक वैलिड है। तो प्लीज़ जल्दी से कॉल कीजिए, शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।